नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। हैदराबाद एनकाउंटर में गैंगरेप के चारों आरोपियों के मारे जाने के बाद इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्वीट बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि शायद हैदराबाद पुलिस ने चारों आरोपियों के एनकाउंटर की पूरी कहानी यहीं से कॉपी की है। अब इसे संयोग ही कहा जाएगा कि 1 दिसंबर को किए गए इस ट्वीट में जिस तरह वेटनरी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए कहानी लिखी गई थी, ठीक उसी तर्ज पर शुक्रवार की सुबह गैंगरेप के चारों आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गए। दरअसल कोना फैन क्लब नाम के ट्विटर यूजर ने 1 दिसंबर को ट्वीट कर कहा था, सर अगर आप चाहते हैं तो आप उन्हें सजा दे सकते हैं, उन्हें क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ठीक उसी जगह ले जाया जाए जहां दिशा को जलाया गया था। मुझे पूरा यकीन है कि वो बचने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं होगा उन्हें शूट करने के अलावा। प्लीज एक बार सोचें। ये ट्वीट आपको हैरान कर सकता है क्योंकि ठीक इसी तर्ज पर शुक्रवार की सुबह 3:30 बजे हैदराबाद पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाती है, सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है और ठीक इसी ट्वीट की तरह चारों आरोपी पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश करते हैं और फिर पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। हैदराबाद पुलिस का कहना है कि जब वो सीन रिक्रिएट करने के लिए वहां पहुंची थी तो एक आरोपी ने उनकी पिस्तौल निकाल ली और बाकी अपराधियों ने पत्थरों से पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई और चारों को वहीं पर ढेर कर दिया। हालांकि अब इस ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब भी ये जमकर वायरल हो रहा है। लोग ट्वीट कर कह रहे हैं कि शायद ये हैदराबाद एनकाउंटर की पूरी कहानी इसी ट्वीट से ली गई होगी। माही नाम के ट्विटर यूजर ने कहा कि मुझे लगता है कि एनकाउंटर की पूरी कहानी यहीं से ली गई। तो वहीं एक और यूजर ने कहा कि ये स्क्रिप्ट बिल्कुल वैसी है जैसा कि अभी साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर ने इस्तेमाल किया जब वो 10 साल पहले वारंगल के SP थे। रवि तेजा नाम के यूजर ने लिखा, मुठभेड़ में मारे गए चार आरोपियों की सही व्याख्या, परफेक्ट ट्रिब्यूट टू द गर्ल। तो वहीं यासिर नाम के यूजर ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ठीक यही ट्विटर मटेरियल पुलिस ने इस्तेमाल किया? कोना फैन क्लब यूजर अब है ही नहीं। अभिषेक अग्निहोत्री नाम के यूजर ने इसकी तारीफ करते हुए कहा, वाओ अविश्वसनीय। गली बॉय नाम के यूजर ने कहा, इस शख्स को सच में भविष्य दिखाई दे गया, उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। एक यूजर ने कहा, उन्होंने तुम्हारी सुन ली। एक तरफ जहां लोगों ने कोना फैन क्लब की तारीफ की तो वहीं कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए कि आखिर इस यूजर ने अपना पेज डिलीट क्यों कर दिया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए 5 दिन पहले जो ट्वीट किया गया था, हैदराबाद पुलिस ने भी हूबहू उसी तरह से एनकाउंटर भी कर दिया। कई तरह के उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, आप कहते हैं? देखिए,
सवाल तो उठेंगे ही, ऑब्वियसली लगेगा कि ये जानबूझ के किया गया है क्योंकि केस इतना ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट हो गया है, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर होता है और आई एम श्योर हैदराबाद के सीएम के ऊपर भी प्रेशर रहा होगा कि बेटर ये है कि इस केस को दबा दिया जाए और अगर इनका एनकाउंटर हो जाएगा तो मीडिया में जो इतने टाइम से यही ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। मगर मैं यहाँ पर एज एन मैं इमोशनल होकर बात करूँगी क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और मेरी भी बहनें हैं और अगर मेरी भी बेटी होगी तो मैं इमोशनल होकर बात करूँगी और मेरे हिसाब से इमोशनल एंगल से अगर मैं बोलूँगी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ पुलिस ने जो किया ठीक किया, लेकिन हमें लगता है कि ऐसे इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा जो रेप करते हैं फिर उसके बाद मार डालते इतने गंदे तरीके से, ऐसे लोगों को तो और तड़पाना चाहिए, एकदम पब्लिक में छोड़ देना चाहिए कि इन लोगों को हर तरीके से मारे, बीच चौराहे पे टांग के इन लोगों को नापुंसक बना देना चाहिए। इतने मतलब एक केस हुआ, दो केस हुआ, मतलब ये तो बढ़ते ही, इन लोगों का मन बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। मार दिए पुलिस वालों ने, अच्छा किया कि ये केस और लंबा चलता, फिर ये धीरे धीरे दबते जाता, पब्लिक इसे भूल जाती, लेकिन हमें लगता है इसको और उन लोगों को जिस हिसाब से उन लोगों ने किया ना उसके हिसाब से ये बहुत कम है। मर गए, ख़त्म हो गया केस, लेकिन वो लड़की जब जिंदा जली है उसको जो दर्द महसूस हो वो दर्द उन चारों को ही पता महसूस होना चाहिए, तब पता चलेगा। और अगली बार से जो भी इसको करे उसकी रूह कांप जाए कि हाँ ऐसा भी केस है। हमारे क्या होता है, हमारा कोर्ट इतना लंबा चलता है, लोग भूल जाते हैं, उसके बीच में एक रेप हो जाता है, जैसे कि निर्भया केस अभी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन क्या हुआ इस बीच में इसका आ गया। तो इन लोगों को मार दिया ठीक है, पुलिस ने अच्छा किया, लेकिन और भी इन लोगों को तड़पाना चाहिए था बीच चौराहे पे, इन लोगों को मतलब जितना दर्द देना चाहिए ना और देना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ, बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, इन लोगों को एनकाउंटर किया ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन लोगों को जैसे उन लोगों ने उस डॉक्टर को जला के मारा ना बिल्कुल वैसे ही तड़पा के मारना चाहिए था। इंडिया में हर 20 मिनट पे एक लड़की का रेप होता है, कितनी बड़ी बात है। और ये सब इसलिए होता है कि जो हमारी सरकार है और जो कानून है इतना लंबा खींचते चला जाता है, प्रोसेस फांसी के तो कोई नाम ही नहीं है। कितने कितने केसेस है जो अभी भी चले आते हैं, इनके मन में खौफ नहीं है, डर नहीं है। इसलिए हर एक लड़की काम करने से, रात में जाने से, डरने से, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं खुद 9 बजे जब यहाँ से निकलती हूँ मेट्रो सिटी में होने के बावजूद 9 बजे मुझे जाने में डर लगता है। मैं 7 बजे घड़ी देख के काम करती हूँ और सोचती हूँ कि कितनी जल्दी मैं ऑफिस से निकल के अपने घर पहुँच जाऊँ। इसका रीज़न सिर्फ यही है, काफ़ी दूर दूर तक अच्छे सैलरी होने के बावजूद मैं काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मुझे दूर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मैं अपने आप में इमेजिन करूँ कि कितनी सारी लड़कियाँ हैं जो आए दिन इनके साथ छेड़खानियाँ होती रहती हैं। इसलिए इनके साथ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इनको और भी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर खौफ रहे कि हाँ रेप का बस एक ही सज़ा है मौत। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन हैदराबाद पुलिस ने इतना अच्छा कदम उठाया, उन्हें मारा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, जिस तरीके से उसे जला के मारा है लड़की को उस तरीके से उन्हें मारना चाहिए था, उन्हें तड़पाना चाहिए था। उन्हें तड़पता हुआ देखिए वो उस लड़की की आत्मा को शांति मिलती है, जितनी से जिस तरीके से जलाया गया था, उसका गैंग रेप किया गया। और ये एक केस नहीं है, ये हर रोज़ ऐसे केस होते रहते हैं, बच्ची के साथ भी, बड़े के साथ भी। मतलब इनका कोई ईमान धर्म है ही नहीं। लोग जातिवाद पे भी करते हैं कि भाई मुसलमान थे, हिंदू थे, लेकिन इस चीज़ को छोड़ के एक ये देखना चाहिए था कि एक लड़की का रेप हुआ है और किस तरीके से ये दरिंदे हर रोज़ ऐसी हरकतें करते हैं बच्ची के साथ, बड़े के साथ, और इन्हें कुछ सज़ा नहीं मिलती। क्योंकि हमारा कानून इतना ढीला है कि जिस तरीके से मतलब अभी निर्भया केस का भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, हमेशा चलता ही रह रहा है अभी तक ये। इसका अगर फांसी की सज़ा उसी टाइम दे देते, और ये कई केस ऐसे हैं जो दबे हुए हैं, जो मीडिया में आ जाते हैं उन्हीं केस को ऐसा दिखाया जाता है कि उसके लिए स्टैंड लिया जाता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जो कानून मैं चाहती हूँ कि ऐसा कानून बने कि 1 महीने के अंदर उन्हें सज़ा मिल जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये तो एनकाउंटर करना मतलब ये है कि एक बार में वो मर गए, लेकिन जिस तरीके से वो तड़पा के मारते हैं उस लड़की को जितना दर्द हुआ था वो चीज़ उन्हें महसूस होनी चाहिए। आज सुबह सुबह जब खबर आई कि क्राइम सीन रिक्रिएट किया और फिर एनकाउंटर हो गया, ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी सुबह सुबह की मेरे हिसाब से, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों का पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है बिल्कुल भी। जो भी निर्भया का इंसिडेंट हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट ये सब करते रह जाते हैं हम, उसके बाद कुछ होता नहीं है, सच रिज़ल्ट कुछ आता नहीं है। उस हिसाब से अब जो हुआ पुलिस वालों ने एक्शन लिया, आई थिंक इट्स हाई टाइम हमारी जुडिशरी अब एक्शन में आई है। और जो भी हुआ एनकाउंटर किया उनका, मतलब मेरे हिसाब से तो और शायद बहुत बुरी तरह से उनकी मौत होनी चाहिए थी, आई डोंट नो, मैं बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, अभी उनका एनकाउंटर हो ही जाना चाहिए था, वरना ये बहुत लटकता, ये केस चलता रहता जो कि
बिल्कुल इलॉजिकल था, कोई सेंस नहीं बनता इसका फिर, क्योंकि अब सब गुस्से में है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये केसेस बढ़ गए हैं यहाँ पे, रेप केसेस बैक टू बैक बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो ये जो एक्शन लिया पुलिस ने, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा लगा सुन के कि एनकाउंटर हो गया, चार जो आरोपी थे, डेफिनेटली कि मैं अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार से हम कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, हमारे लॉज इतने अच्छे हैं नहीं कि वो इस तरह का कुछ लें, क्योंकि 2014 से आज तक किसी मतलब व्यक्ति को ऐसे फांसी नहीं दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद एक बहुत अच्छा हुआ कि पुलिस ने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि अगर हमारे यहाँ के लॉज इतने अच्छे होते या फिर ये भी इतने स्ट्रिक्ट होते तो मे बी कुछ अच्छा हमारे हम लड़कियाँ खुद सेव करती, क्योंकि एक सिर्फ एक महिला डॉक्टर की इज्जत का वो नहीं था, उसकी मान मर्यादा सम्मान का सिर्फ वो नहीं था, हक की लड़ाई नहीं थी, ये तमाम उन लड़कियों की लड़ाई है जो यहाँ पर रह रही हैं। क्योंकि एक माँ अपनी बच्ची को जन्म देती है तो ये सोचती है कि मैं क्या कैसे घर से बाहर निकालूँ अपनी बेटी को, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमें खुद नहीं पता हम रात को यहाँ से ऑफिस से घर जाते हैं तो हम कितने सेफ़ हैं, हम घर पहुँचेंगे, मतलब ये चीज़ें हमें सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी। तो मैं बहुत खुश हूँ इन सब चीज़ों से कि हाँ ये होना चाहिए था, और शायद इससे भी बुरी मौत होनी चाहिए थी इन लोगों की, क्योंकि जिन लोगों के दिमाग में इतना घिनौनापन है उन लोगों को और घिनौनी मौत दी जाए तो मेरे ख्याल से वो बहुत कम ही होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि कैसे एक इंसान किसी को चीर के, किसी को जला के, किसी को एक रास्ते पे फेंक के उसे ये याद नहीं आया कि उसके घर में भी उसकी माँ ने भी उसको इसी तरीके से जन्म दिया होगा, वो भी किसी की माँ होगी, बेटी होगी या कुछ भी होगा। तो फिर मतलब आपको क्यों नहीं लगता, मुझे ऐसा, मैं पब्लिकली अभी मैं उन तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ इसके थ्रू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी किसी की माँ हैं, बेटी हैं, तो हमें भी हक है खुल के जीने का। लड़कों को सिर्फ वो नहीं है, फ्रीडम नहीं है, हम लड़कियों को भी फ्रीडम है सांस लेने की, हमें भी आज़ादी चाहिए सांस लेने की, हम भी बाहर निकल के जीना चाहते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोगों को भी अच्छे से रहने दें ताकि हम भी फ्री फील करें, अच्छे से नौकरी पे आएँ, अपना घर हम आप लोग करते क्या है, हम लोग अपना पूरा घर संभालते हैं यार, हम लोगों को इतना मैनेज करना पड़ता है चीज़ें, आप लोगों सिर्फ जॉब, लेकिन हमें घर और ऑफिस और बच्चे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप लोगों को हमें भी उतनी फ्रीडम देनी चाहिए, जिन लोगों के माइंड में ये सब चीज़ें चलती है, मैं उनसे बस यही गुजारिश करूँगी कि अपनी माँ भी है घर में और बहन भी है, बेटी भी है, उनकी तरफ भी एक आँख उठा के देखिए, फिर आपको दूसरों के नज़रों को देखना चाहिए। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, इनफैक्ट इनको तो इससे भी ज़्यादा बुरी बात देनी चाहिए थी, ये लोग सोच भी कैसे सकते हैं किसी लड़की के साथ ऐसा करने के बारे में, अगर इनकी खुद की माँ खुद की बहन के बारे में ऐसा किया जाए तो इनको कैसा लगेगा। और ये जो इनकाउंटर हुआ है आई थिंक इससे ज़्यादा बुरी बात इन लोगों को देनी चाहिए थी, ताकि हर लड़की फ्री महसूस कर सके, हर लड़की को अपनी सेफ, हर वुमेन चाहती है कि वो सिक्योर रहे। और हम इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ लोग ये बोले कि वी आर अशेम्ड ऑफ बीइंग एन इंडियन, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेप टेकन बाय पुलिस, जिससे कि लोगों को ये लगे कि हाँ हम इंडियन एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। आज जो फैसला आया उससे मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरे कलेजे को काफ़ी ठंडक मिली, मेरे साथ साथ जो भारत की बेटियाँ हैं, फ्रेंड लड़कियाँ हैं, उनको भी बहुत खुशी हुई होगी। पर उन्हें इतनी आसानी मौत नहीं देनी चाहिए था, उन्हें मार कर कुत्तों को दे दो, उन्हें भी जलाओ तड़पाओ जैसे उसने उसके साथ किया, उन्हें भी वही फीलिंग होनी चाहिए जैसे उस लड़की ने फील किया। आज सेफ नहीं है बेटियां भारत में, कहते तो हम भारतीय हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं, सम्मान देते हैं लड़कियों के, पर अब क्या, कम से कम आप एक सुरक्षा तो दे दो, बस लड़कियां थोड़ी सेफ्टी महसूस करें, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। आपसे बहुत सही हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए, जितने भी रेपिस्ट हैं उनको ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अमूमन देखा गया है बच्चियों के साथ रेप होते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते इनकी इतनी मानसिकता घिनौनी और इतनी गंदी होती है कि मुझे ऐसा लगता है इनका इनकाउंटर ही करना चाहिए, इनको इतना लंबा टाइम मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए कि आप कोर्ट में जाएं फिर पेश करें इनको, फिर इनके सवाल जवाब ये बहुत लंबा खींचा जाता है। मुझे लगता है कि इनकाउंटर करना बहुत सही था, उस लड़की को इंसाफ मिला है, और उस लड़की को नहीं हर लड़की को इंसाफ मिला है, और आगे भी ऐसा ही करना चाहिए ऐसे दरिंदों के साथ।